हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे 10th और 12th के इंग्लिश चैनल पे। आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट लाइंस की जो हमारे रिपोर्ट में भी काम आती है, हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में भी काम आती है, आर्टिकल लिख रहे हैं आर्टिकल में भी काम आती है, या अन्य कोई शिकायत कर रहे हैं जैसे कि लेटर टू एडिटर के अंतर्गत, तो उसमें भी हमारे काम आती है। कुछ इम्पोर्टेंट्स और कॉमन पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि डिवाइडेशन के साथ मैं रखूँगा दो। जैसे कि अभी मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी पानी की आपूर्ति में बार बार रुकावट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पाँच लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन पाँच लाइनों को आप दो बार देख लोगे तो आपका एक फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का जो लेटर पूछा जाता है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्मेट में आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो उस फॉर्मेट के अंडरटेकिंग आप इन लाइनों से अपना पूरा काम कर लोगे। तो अपना टॉपिक है आज का फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। सप्लाई का मतलब आप सब जानते हैं, पानी की आपूर्ति के बारे में आपको कुछ नहीं करना, चार पॉइंट्स लेने, लंबी लंबी छोटी छोटी कैसे भी करके चार या पांच लाइनें, मैक्सिमम आपको पांच लाइन ले लेनी है, उससे आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शुरू करो कि वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर ए, पॉइंट नंबर एक, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर ए, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर ए फ्यू हॉर्स, ओनली फॉर ए फ्यू हॉर्स, एंड पानी की जो सप्लाई है वो कुछ घंटे ही दी जाती है, एंड द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट फिक्स, एंड द टाइम ऑफ एंड द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट फिक्स, और वो पानी कब आएगा जो टाइम पे आने, बिना टाइम पे भी जो पानी आ रहा है वो टाइम कब आएगा उसका भी पता नहीं। ऑल्सो नॉट फिक्स भी लिख सकते हो, और इज नॉट फिक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ नंबर दो, एक मिनट अपना क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे सम टाइम्स वाटर इज अनफिट, कभी कभार पानी पीने योग्य नहीं, अनफिट मतलब ठीक नहीं है। सम टाइम वाटर इज अनफिट, पानी ठीक नहीं आता, फॉर ड्रिंकिंग, कैसे फॉर ड्रिंकिंग पीने योग्य नहीं होता, एक तो ये बात होगी, एंड ए स्मॉल लार्वा, एंड स्मॉल लार्वा का मतलब जानते हैं, लट्टा, छोटे छोटे जीव उसमें नजर आते हैं, तो पानी आपके सामने कोई छोटा छोटा जीव उसमें दिया हुआ वो पानी के बोतल में या पानी के जो अपने कहते हैं लोटा उसमें, तो आप उसको पीओगे थोड़ी ना, ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे लट्टे उसमें दिखाई दे रही है, तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। कैन बी स्विमिंग इन इट, कैन बी स्विमिंग कहने का मतलब देखने को मिलती है, तैरता हुआ छोटे छोटे जीव लट्टे वट्टे देखने को मिलती है। उसके तुरंत बाद आपको तीसरा पॉइंट लेना है, उसमें आपको लिखना है द अमाउंट ऑफ सप्लाई इज, द अमाउंट ऑफ सप्लाई इज, पानी की जो राशि है जल राशि इज टू स्मॉल, बहुत ही कम, टू स्मॉल बहुत ही ज़्यादा कम पानी आता है, दैट इज
hardly sufficient, that is hardly sufficient. सुफिशियंट का मतलब क्या होता है? सुफिशियंट मतलब पर्याप्त नहीं है, हार्डली सुफिशियंट जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हार्डली सुफिशियंट एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ड्रिंकिंग पर्पज पीने के उद्देश्य से पानी मुश्किल से ही पर्याप्त नहीं है। तीन पॉइंट हो गया अपने, तीन पॉइंट से आपका लेटर हालांकि एकदम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यदि आप चाहते हो तो एक दो पॉइंट बढ़ा सकते हो, तो एक पॉइंट और लिख लो, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, चिल्ड्रन बच्चे जो है हैव टू गो टू स्कूल, बच्चे विद्यालय जाते हैं विदाउट टेकिंग ए बाथ, विदाउट टेकिंग ए बाथ, बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं बिना नहाए धोए, ओनली फॉर इंग्लिश स्नान करके स्कूल की तरफ निकल रहे हैं। तो ये था आपके, यदि फ्रेक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई पूछा जावे तो आपको किस प्रकार से इसका जवाब देना है। बाकी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब सपोज करो बैड कंडीशन ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, या पानी से रिलेटेड कुछ और आ जाए, पैराग्राफ ही पूछ लिया जाता, रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है, कई बार आर्टिकल पूछ ले जाते हैं, तो ये कॉमन लाइन्स है, ये कॉमन लाइन आपके काम भी आएगी आगे भी। ओके, फिर मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।